हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो ये गियर लगाते हैं हम, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे जो भी गियर्स लगाते हैं उसमें हम यहाँ पे जैसा कि 700-800 आरपीएम पर इसकी लोवेस्ट स्पीड है इसके एक्सीलेटर को छोड़ने के बाद, तो हम चेक करेंगे कि कितनी स्पीड तक कौन सा गियर रहता है और कितनी स्पीड पर बंद हो जाती है। जैसा कि हम फर्स्ट गियर लगाएंगे, फर्स्ट गियर में चल जाएगी, लगभग सेकंड गियर में भी ये चल जाएगी बिना एक्सीलेटर के, और थर्ड, फोर्थ, फिर उसमें कितना एक्सीलेटर देने तक चलती है और कितना छोड़ने पर ये बंद हो जाएगी। तो आज इसका ही करने वाले हैं, वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है और फर्स्ट गियर में बिना एक्सीलेटर की कार चल रही है। लगभग देखते हैं कितनी स्पीड पर चलती है, तो इसमें 6-7 की स्पीड पर चल रही है। मिनिमम स्पीड इसकी 6-7 है, 7 की स्पीड पर चल रही है ये फर्स्ट गियर में अगर एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो। और अब इसमें सेकंड गियर लगाते हैं और फिर धीरे एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं, तो ये सेकंड गियर में 12 की स्पीड हो गई है और एक्सीलेटर को मैंने छोड़ दिया है, तो ये सेकंड गियर में भी चल जाती है, बंद नहीं होती है एक्सीलेटर छोड़ने पर। अब चलते हैं थर्ड गियर की तरफ। थर्ड गियर में झटके खाने लग गई है लेकिन फिर भी चल रही है 16 की स्पीड, 17 की स्पीड, तो थर्ड गियर में 17-18 की स्पीड पर चल रही है अभी, 18 की स्पीड पर। गियर में चल रही है और 18 की स्पीड पर चल रही है, तो अब यहाँ पे चौथा गियर लगाते हैं और चौथे गियर में कितनी की स्पीड पर चलती है या बंद हो जाती है वो चेक करेंगे। ये लगभग 600 आरपीएम पर चल रही है अभी कार, तो अभी थोड़ी चढ़ाई आ गई है, फिर भी देखते हैं कार बंद होती है या नहीं होती है। अभी 700 आरपीएम पर चल रही है और मैंने एक्सीलेटर को छोड़ दिया है, तो अब देखते हैं कितनी स्पीड पकड़ती है। अभी चढ़ाई आ रही है, इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 24 की स्पीड पकड़ ली है इसने, तो अब यहाँ पे 24 की स्पीड पर चल रही है चौथे गियर में। और अब यहाँ पे हम डालते हैं इसका पांचवा गियर और देखते हैं बिना एक्सीलेटर के कितनी स्पीड पकड़ लेती है ये। तो यहाँ पे हमने पांचवा गियर और आखिरी गियर डाल दिया है, तो इसमें आखिरी गियर हो गया है और पांचवा गियर लग चुका है और यहाँ पे स्पीड 27 की, 28 की, 29 की, 30 की स्पीड तक पहुंच चुकी है कार। यानी कि पांचवी गियर में अगर हम इसको एक्सीलेटर को छोड़ देंगे तो ये 30 की स्पीड तक चली जाएगी और बंद नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 700 आरपीएम पर चल रही है और बंद नहीं हो रही है, ये दिखा। तो और यहाँ पे पांचवी गियर में लगी हुई है कार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया, यहाँ पे मिनिमम स्पीड ऑफ ऑल गियर्स 5 गियर है इसमें और सभी की स्पीड मैंने मिनिमम बता दी है कि कितनी स्पीड रहती है जब आप कार के एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं और जब चलती रहती है, कार बंद नहीं होती है किसी भी गियर में। अगर 5वां गियर होगा तब भी ये 30 की स्पीड पर चलती रहेगी एक्सीलेटर छोड़ने पर 700 आरपीएम पर, और एसी उस टाइम पर बंद था जब हम चला रहे थे, आपने देखा ही होगा, तो एसी बंद था और कार 30 की स्पीड पर चल रही थी 700 आरपीएम पर। तो ये था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।